हेलो फ्रेंड्स, मैं शिप्रा सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल किचन रेसिपीज़ बाय शिप्रा सक्सेना में। फ्रेंड्स, आज ये ऑडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आए हैं कि उनके अन हो रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मेरे 100 अन हुए हैं, 200 अन हुए हैं, 300, 40, 50, 20 और किसी फ्रेंड्स की तो कम्युनिटी चली गई है। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे मैंने आज ये ऑडियो बनाया है। फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड तो इतने होपलेस हो गए कि वो बोले वाईटी पे काम करना ही बेकार हो गया, हमारी मेहनत ख़राब चली गई। फ्रेंड्स, वाईटी किसी की मेहनत ख़राब नहीं जाने देता, वो हमें पूरा ही सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, वाईटी हमारे काम को रिगार्ड करता है, पूरा हमें रिवॉर्ड देता है उसका। फ्रेंड्स, वाईटी के कुछ रूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी निगेटिव मार्किंग भी हमें ही झेलनी पड़ती है। वाईटी के रूल टफ़ नहीं हैं, इजी हैं, जिन्हें हम फॉलो करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं और स्टेबल रख सकते हैं। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने वाईटी के रूल्स को फॉलो किया है और मेरे अन नहीं हुए हैं। मैं कुछ बातों को फॉलो करती हूँ, शायद इसलिए मेरे अन नहीं हुए हैं, और ये बातें मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स को भी वो फ़ायदा मिले, तो आप भी उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। पहली बात कि वीडियो का कंटेंट अच्छा रखें, वीडियो का थंबनेल अच्छा रखें। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा होगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, थंबनेल अच्छा होगा तो सब्सक्राइबर अट्रैक्ट होते हैं, हमारे चैनल पर आते हैं, हमारा वीडियो पूरा वॉच करते हैं और उसके बाद हमें सब्सक्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात, जब भी आप किसी का वीडियो देखें और उस पर मैसेज करें तो कैपिटल वर्ड्स का यूज़ ना करें। फ्रेंड्स, हिंदी में मैसेज ना करें, और करें तो उसका कम से कम यूज़ करें। इमोजीज़ का एक से या दो से ज़्यादा यूज़ ना करें, किसी भी मैसेज में एक या दो ही इमोजी का यूज़ करें। फ्रेंड्स, किसी भी चैनल पर जाकर अपने चैनल का नाम या लिंक ना डालें। किसी भी मैसेज में रूल ब्रेक शब्दों का यूज़ ना करें। वो मैसेज चाहे आप किसी के वीडियो पे दे रहे हों या आप रिटर्न मैसेज कर रहे हों, उसमें किसी में भी रूल ब्रेक शब्दों का यूज़ नहीं करें। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी मैसेज में या आप फ्रेंड्स को मैसेज कर रहे हों या फिर उनके मैसेज का जवाब दे रहे हों, उसमें कैपिटल शब्दों का यूज़ करते हैं या ज़्यादा इमोजीज़ का यूज़ करते हैं या अपने चैनल के नाम का या लिंक का यूज़ करते हैं, तो वो मैसेज आपका स्पैम में चला जाता है और स्पैम मैसेज आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स का काम करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल बताना चाह रही हूँ और उसको ध्यान से सुनिए और प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। इससे आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो अन होने से बच सकते हैं। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि ये जो मैं कह रही हूँ वो एकदम सही है, हो सकता है वाईटी की कुछ और प्रॉब्लम हो, लेकिन ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम वाईटी के रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे सब अन होने से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेन पॉइंट है, जब भी आप किसी के चैनल पर जाते हैं तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैसेज देते हैं, और इस टाइम में आपको मुश्किल से 8 से 10 सेकंड लगते हैं। अगर टाइपिंग स्लो है तो 10 से 12 सेकंड लगेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम सेम यही प्रोसीजर जिसको आपने सब्सक्राइब किया है वो आपके साथ करता है, वो भी आपको 8 से 10 सेकंड देता है या 10 से 12 सेकंड देता है, या हो सकता है इससे भी कम टाइम दे, सिर्फ हाई करके चला जाए, आपने तो भी मैसेज बड़ा डाला हो। इस टाइम पीरियड में किसी के कंटेंट को आपने देखा नहीं, वाईटी ये सब कुछ वॉच करा, उसने देखा कि दो चैनल के बीच में एक डील हुई, आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब किया, उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने भी उसके कंटेंट को नहीं देखा, उसने भी आपके कंटेंट को नहीं देखा,
इस तरीके की डील वाईटी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये वाईटी का रूल ब्रेक है। इस पीरियड में आपके जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, जितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया होता है, वो सब्सक्राइबर अन में चले जाते हैं, क्योंकि वाईटी समझ रहा होता है कि आप इसी तरीके से डील कर रहे हैं और चैनल से भी। आपने इस पीरियड में जितने भी सब्सक्राइब किए होते हैं या जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया होता है, वो अन में चले जाते हैं। आपको तो वो दिखाई दे रहे होते हैं कि आपने इतने लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपके पास मैसेज आए हैं तो वो उन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अन में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि जिनके भी अन हुए हैं उन्हें वापस मिल जाएं। हो सकता है कि वाईटी की ये सिर्फ वार्निंग हो, जिनके भी अन हुए हैं उन सबको वाईटी वापस दे दे, लेकिन अगर ये वार्निंग है तो हम सबको इसको सीरियसली लेना चाहिए। अभी तो सिर्फ अन हुए हैं, चैनल सस्पेंड भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके की गलती ना दोहराएं। किसी के भी चैनल को देखे बिना, उसके कंटेंट को देखे बिना उस पर मैसेज ना दें। किसी भी चैनल पर अपने चैनल का लिंक ना दें, अपने चैनल का पूरा नाम ना दें, कैपिटल वर्ड्स का यूज़ ना करें, ज़्यादा इमोजीज़ का यूज़ ना करें, एक से दो ही इमोजी का यूज़ करें, हिंदी में टाइपिंग कम से कम करें। फ्रेंड्स, एक दूसरे को सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने YT को कुछ मेल डाले हैं, जैसे ही उनका रिटर्न जवाब आता है तो मैं आप सबको इन्फॉर्म करूंगी। आने वाले ऑडियो बिल में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम का और क्या सोल्यूशन हो सकता है। प्लीज़ आप इन सबको रूल्स को फॉलो कीजिए, आपके भी हो सकता है कि अन होने से बच जाएं, YT आपके अन रिटर्न कर दे। फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ किसी के भी कंटेंट को देखे बिना मैसेज मत कीजिए। मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ, कंटेंट को देखे बिना, 2 से 3 मिनट तक वीडियो को वॉच किए बिना मैसेज मत दीजिए। वैसे तो 4 से 5 मिनट तक वीडियो को देखने का स्टैंडर्ड रूल है, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो प्लीज़ 2 से 3 मिनट तक आप मैं वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही किसी को मैसेज दीजिए। मैसेज में सब, अन ये बिल्कुल मत लिखिए। मेरे चैनल को सब कीजिए, मैं आपको अन कर दूंगा, आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीके के मैसेज बिल्कुल मत डालिए। एक दूसरे से फ्रेंडशिप कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, मैं इसीलिए किसी के भी चैनल को अच्छे से देखे बिना, उसके कंटेंट को देखे बिना मैसेज नहीं देती हूँ। मैं उसके चैनल को जब तक 4 से 5 मिनट तक वॉच नहीं करती हूँ तब तक उस पर मैसेज नहीं देती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबके चैनल के जितने भी वीडियो वॉच करें वो कम से कम 4-5 मिनट तक वॉच करें, मेरे भी वीडियो 4-5 मिनट पर वॉच करें, उसके बाद मैसेज दें। और अगर इस ऑडियो से आपको फ़ायदा होता है, इन रूल्स से आपको फ़ायदा होता है, तो मुझे कमेंट करें और मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझसे शेयर करें, मैं आपके अनुभव उसको अपने ऑडियो बिल में शेयर करूंगी, ताकि और लोगों तक पहुंच सके और वो भी आपके सब्सक्राइबर अन होने से बचा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।